बहुत दिनों से मेरा मन था कि मैं अपने किचन में एक क्यूट सा प्यारा सा कॉफी कॉर्नर सेटअप करूं, तो आज के इस वीडियो में मैं वही करने जा रही हूं और आपके साथ में शेयर भी करने जा रही हूं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए लेट नहीं करते हैं, फटाफट से आपको दिखाती हूं कि कैसे मैं अपने किचन के लुक को एनहांस करने वाली हूं अपने नए कॉफी कॉर्नर से। लेट्स गो। ये है मेरा नया गैजेट AKA बरिस्ताज। कॉफीजा का ये छोटा सा पर अमेजिंग कॉफी मशीन हमें बड़ी आसानी से घर पे ही कैफे की तरह रिच एंड क्रीमी बेवरेजेस जैसे कि कैपेचिनो, लाटेज और बहुत कुछ मिनटों में ही बनाने देता है। इस एस्प्रेसो कॉफ़ी मशीन और इसके साथ जो फ्रॉथर है उसकी मदद से आप बिल्कुल वैसा ही कॉफ़ी बना सकते हो जो आप कैफ़े में पीने जाते हो, जिसके लिए बहुत पैसे खर्च करते हो। और सबसे अच्छी बात है, इस मशीन और फ्रॉथर की मदद से जो आप कॉफ़ी बनाओगे उसको बनाने के लिए आपको किसी भी स्पेशल बरिस्ता स्किल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये देखिए, ये इसके साथ में फ्रॉथर आया है और पूरा सेट कुछ ऐसा दिखता है, बहुत ही कॉम्पैक्ट और बहुत ही सुंदर। तो मेरे किचन के इस कॉर्नर पे मैं सेटअप करूंगी अपना नया कॉफ़ी मशीन और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पॉइंट भी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल दूंगी मशीन और देखिए कॉम्पैक्ट होने का फ़ायदा ये है कि कितनी आसानी से ये एकदम कम स्पेस ले रहा है। बाजू में रख दूंगी यहाँ पे फ्रॉथर और साथ में थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर दूंगी ताकि दिखने में अच्छा लगे। ये जो मशीन है ये ब्रू करता है ब्लैक कॉफ़ी, ताकि आप ब्रू कर सके एस्प्रेसो या लूंगो, जो कि होता है एक कॉन्सेंट्रेटेड ब्लैक कॉफ़ी शॉट। अगर आपको ब्लैक कॉफ़ी नहीं पीनी है तो फिर आप फ्रॉथर के थ्रू इसमें मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, मैंने यहाँ पे एक छोटे से डब्बे पे थोड़े से कॉफ़ी कैप्सूल्स रख दिए हैं और यहाँ पे इसे डेकोरेट कर दिया है और कितना प्यारा लग रहा है। मेरा फेवरेट कॉफ़ी मग है ये YouTube वाला मग, पर इस वीडियो में मैं आपको कॉफ़ी बनाकर दिखाऊंगी इस ट्रांसपेरेंट कप में, ताकि आपको पता चले कि कॉफ़ी कैसी दिख रही है। कॉफ़ी कॉर्नर हमारा सेटअप हो गया है और कितना कम स्पेस ले रहा है वो सबसे बड़ी मुझे USP लगी इसमें। आपको पता है किचन काउंटर टॉप में वैसे भी जगह की कमी होती है और मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि मैं कोई भी बल्कि अप्लायंसेस अपने काउंटर टॉप में रखूं। कलर मुझे ये व्हाइट वाला बहुत ही अच्छा लगा जो मेरे ओवरऑल किचन के इंटीरियर से जाता है। वैसे आपको इस मशीन में और भी कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, वो आप चेक कर लेना आपको जो भी अच्छा लगता हो, पर मुझे ये व्हाइट वाला और साथ में ये जो फ्रॉथर है इसका जो स्टील कलर है ये बहुत ही अच्छा लगा, मेरे ओवरऑल किचन से जा रहा है। तो चलिए अब मैं आपको क्विकली दिखाती हूँ कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है इसको यूज करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं फटाफट आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसके साथ में आपको कॉफी कैप्सूल्स भी मिल जाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से फ्लेवर्स के हैं और टेस्ट इसका कैसा होता है। चलिए, कॉफी बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसमें पानी डालना पड़ेगा। तो ये जो ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट आप देख रहे हो इसे बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो। निकालने के बाद इसमें पानी फिल कर दीजिए। यहाँ पे लेवल दिया हुआ है मैक्सिमम मिनिमम, उसको पढ़ के जितना भी कप आपको बनाना हो उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल दीजिए। बड़ा ही आसान है इस मशीन को ऑपरेट करना। यूज़र मैनुअल भी दिया हुआ है, उसको अगर आप अच्छे से एक बार पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे ये काम करता है। तो पानी भर देने के बाद में देखिए यहाँ पे हम इसे वापस से अटैच कर देंगे। बस स्विच को ऑन किया, एक बार यहाँ पे लाइट ब्लिंक करेगा, उसके बाद कोई भी एक बटन को आपको प्रेस कर देना है। फिर ये 25 से 30 सेकंड के लिए इस तरीके से ब्लिंक करता रहेगा, तब तक आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे कॉफीजा के ऊपर भी देखिए कितना प्यारा सा लाइट आ रहा है, बहुत सुंदर लगता है ये मशीन। अब देखिए लाइट ब्लिंक होना बंद हो गई है, मतलब अब आप इसमें कैप्सूल डाल सकते हैं। तो कॉफीजा के पास बहुत सारे कैप्सूल के ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए सारे फ्लेवर्स लिखे हुए हैं और कौन सा कितना स्ट्रांग है उसका भी यहाँ पे इंडिकेशंस दिया हुआ है नंबर्स के हिसाब से। तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन से सिलेक्ट करने के लिए, जैसे कि देखिए आप माइसोर नगेट्स हैं, क्लासिको है, फोटे है, क्रीमोसो है, और ये सारे ही जो कैप्सूल्स आप देख रहे हो ये रिसाइक्लेबल एल्यूमिनियम से बने हुए हैं।
अब ये वाला जो आप ब्लैक फ्लैप देख रहे हो इसको उठाना है और इसके अंदर आपको ये जो कॉफ़ी कैप्सूल है ये डाल देना है। एक बार में आपको एक ही डालना है और बस इस तरीके से इस फ्लैप को बंद कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अच्छा सा स्टैंड भी दिया हुआ है जहाँ पे आप कॉफ़ी रख सकते हो। स्टैंड का फ़ायदा ये है कि बाद में जब कॉफ़ी एक दो बूंद ड्रिप करेगी तो वो अंदर की तरफ चला जाता है। बस उसके बाद आपको सिलेक्ट कर लेना है फुल कप हाफ कप जो भी आप सिलेक्ट करना चाहो। तो क्योंकि मुझे इसमें मिल्क भी ऐड करना है तो मैंने हाफ कप सिलेक्ट किया। अब बात करते हैं फ्रॉथर की। तो यहाँ पे देखो आप दो अटैचमेंट दिया हुआ है। अगर आपको मिल्क को फ्रॉथ करना है तो आपको ये वाला जो देख रहे हो पोर्शन ये लगाना है फ्रॉथर में। अगर सिर्फ गर्म करना है तो ये वाला लगाना है। ये मैग्नेटिक है तो इसे लगाना बड़ा आसान है। जैसे आप थोड़ा सामने ले जाओगे तो अपने आप ही अच्छे से चिपक जाता है। तो चलिए मैं मिल्क को इसमें फ्रॉथ करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैक्सिमम मिनिमम दिया हुआ है कितना आपको मिल्क डालना है। तो यहाँ पे मैं मिनिमम पे डाल रही हूँ, मुझे एक कप ही बनाना है। तो बस उसके बाद यहाँ पे रख दीजिए इसे, ऊपर में ऑन कर देना है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत इसमें है नहीं। चार ऑप्शंस हैं, कैपेचिनो, लाटे, हॉट चॉकलेट या फिर कोल्ड। तो जो भी आपको ऑप्शन चूज़ करना हो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे कैपेचिनो सिलेक्ट करूँगी और बस इसको स्टार्ट कर दूँगी। तो ऑटोमेटिक जब आपका ये फ्रॉथ रेडी हो जाएगा मिल्क का तो ये खुद ब खुद स्विच ऑफ हो जाएगा, आपको ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। और कितना थिक और क्रीमी हो गया है हमारा मिल्क देखिए, बिल्कुल वैसा ही फ्रॉथ आया है जैसा आपको कैफ़े में मिलता है, बहुत ही अच्छा लगेगा। और उसके बाद आप कॉफ़ी में पोर करिए, अपना कॉफ़ी एन्जॉय करिए। कॉफ़ी मशीन को क्लीन करना मेंटेन करना बहुत आसान है। तो देखिए इस होल की मदद से जो भी एक दो बूंद कॉफ़ी ड्रॉप होते हैं ना भरने के बाद वो इसके अंदर चले जाते हैं। काउंटर टॉप जो है वो गंदा बिल्कुल नहीं होगा। इस वाले ट्रे को आप पुल करोगे तो आपको अंदर दिखेगा कॉफ़ी कैप्सूल जो इसमें गिर गया था। अब इसको भी क्लीन कर लो ट्रे को करना हो तो। इस तरीके से देखिए होल हो जाता है कॉफ़ी कैप्सूल में, बड़ा अच्छा लगता है दिखने में। तो यही था इसका बहुत ही ईजी सा सिंपल सा प्रोसेस। तो देखा कैसे मिनटों में घर के कम्फर्ट में ही बिल्कुल कैफे स्टाइल कॉफ़ी रेडी हो गई है। ये वही कॉफी है जिसके लिए आप बाहर इतना पैसा खर्चा करते हो। और अगर आप कॉफी लवर हो तो अब घर पे रोज ऐसी वाली कॉफी एंजॉय कर सकते हो। दिखने में तो ये अच्छा है ही, टेस्ट में भी उतना अच्छा है। वैसे यहाँ पे बहुत सारे आपको कैप्सूल्स के भी ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो जो भी कैप्सूल आपको अच्छा लगता हो वो यूज करिए। मैं आपको भी टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है। देख के टेम्पटिंग लग रहा है और स्मेल वाओ। आपको ये पीना पड़ेगा विश्वास करने के लिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। मेरे जैसे लोग जो कॉफी लवर हैं, जिनको कॉफी मतलब दूर से चल जाता है पता कि कौन सी कॉफी अच्छी होगी स्मेल से ही, उसके लिए तो ये एक बून है। और सबसे अच्छी बात, कम जगह ले रहा है किचन में, मेंटेनेंस नहीं है, आराम से रखिए तो आपके किचन का ये लुक भी इन्हांस करेगा, आपकी लाइफ को भी आसान करेगा। और जब आपके घर में गेस्ट आएंगे और ये कॉफी देखेंगे तो बोलेंगे कौन से कैफे से मंगवाया है। एनीवेज तो अगर आपको भी लेना होगा तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाइए और ये कॉफी मशीन और फ्रॉथर परचेज कर लीजिए। मेरे तरफ से फुल ऑन गारंटी है कि आप निराश नहीं होने वाले हैं, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एंड प्राइस भी इसकी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं तक रखती हूँ और करती हूँ आपको पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब करिएगा। और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको कौन सा कॉफी फ्लेवर अच्छा लगता है और क्या आप भी कॉफी लवर हो या नहीं। चलिए इसी के साथ मिलती हूँ अगली बार, बाय बाय। और इसको फिनिश करती हूँ, कितना टेम्प्टिंग लग रहा है। बाय।